हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 1111 में। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी लेकर आऊँगी। हमारा 2-2 का पोर्टल गया है उसके बाद, तो आ गया है आज हमारा डिवाइन टाइमिंग और मैं लेकर आई हूँ आपके मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या फिर ना भी हो, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेज मिले हैं मुझे और बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इनर वर्क के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल आईडी पे मैसेज डाल सकते हैं या फिर मैं टेलीग्राम पर भी आपको आंसर कर दूंगी, ओके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारी बहुत प्यारी सी फेमिनिन की एनर्जी में बता दूं कि कुछ फेमिनिन ऐसे हैं जिनका बेहद हाई एनर्जी में पहुँच चुकी है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत अच्छा हार्ट चक्रा या थर्ड आई चक्रा के ऊपर भी वो जा चुके हैं। उनका एक लेवल अप हो चुका है, एक बूस्ट अप हो चुका है, एक तरह से मैं बोलूँगी कि वो अपग्रेड हो चुके हैं या उनके डीएनए भी अपग्रेड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी चल रही है। एक तो एक फेमिनिन है जिनका कुंडलनी असेंशन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत क्लियरली फील कर पा रही है। एक फेमिनिन जो है उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। एक फेमिनिन जो है जिनका थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है। और एक फेमिनिन ऐसी है कि जो एनजाइटी में है, जो थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कर रही है, या फिर थोड़ा सा अकेलापन फील कर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा लोअर चक्रा में ऑपरेट कर रही है। ये वो फेमिनिन है जिनके इशू सरफेस हो रहे हैं, जिनका ईगो शटर हो रहा है, या फिर अगर बचा कुचा अंदर बहुत डीप लेवल पर कोई इशू है या फिर शाडो है वो भी उनके सरफेस हो रहे हैं, ठीक है। तो फेमिनिन जिनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है उनके लिए एक साइन बताती हूँ। उनके साथ ये हो रहा है कि आपका जो क्राउन है वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पीस वाली एनर्जी फील हो रही होंगी। आपको एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत स्मूथ पीसफुल वाला आपको सेंसेशन होगा वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा आपको लगेगा कि जैसे बर्फ़ रखा है, और बर्फ़ की जो भाप होती है ना वहाँ से कैसे हमें ठंडा लगता है ना, बिल्कुल सेम आपको उस तरह से फीलिंग होगी और आप उसको क्लियरली फील कर पाएंगी। और ऐसा भी नहीं रहेगा कि ये आएगा और तुरंत निकल जाएगा, ये आएगा, 5 मिनट रहेगा और फिर से दोबारा आएगा और फिर से चला जाएगा, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको पेन नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से ओपन, या मैं बोलूँगी बैलेंस हो रहा है। और इस टाइम आपको बहुत ड्रीम आएंगे, ठीक है, चैनलिंग होंगी, आपको डाउनलोड्स आएंगे, तो आपको अवेयर रहना है, आपको ध्यान देना है। ये उन फेमिनिन की एनर्जी है जिनका क्राउन चक्रा हील हो चुका है या हो रहा है। दूसरा फेमिनिन जिनकी कुंडलनी राइजिंग की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है, उनके लिए साइन बता दूँ कि अगर इस टाइम इस दौरान आप मेडिटेशन में बैठे हो और आप डीप जा रहे हो, ठीक है, अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो आपको बहुत अजीब तरह की एनर्जी फील होगी। आप क्लियरली महसूस कर पाएंगे कि आपके रूट चक्रा से कोई एनर्जी का फ्लो ठंडा या गर्म या बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब एक जैसे कोई फूंक मार रहा है ना, हवा आ रही है, इस तरह से फ्लो अगर आपको फील हो रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है और वो बहुत स्मूथली जा रहा है, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है कहीं पे भी नहीं, तो ये समझ जाना कि आपकी कुंडलनी असेंशन चल रही है। वैसे तो हमारी कुंडलनी असेंशन चलती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है आपके काम की वजह से, ठीक है। ये कुंडलनी असेंशन वाले फेमिनिन के साथ रेजोनेट होंगी और बहुत सारे साइन भी हैं, मैं कुंडलनी का स्पेशल ही डाल दूंगी, ठीक है, जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा। उसके बाद एक थर्ड आई एक्टिवेशन वाले हमारे फेमिनिन हैं जिनके आँखों में बहुत ज़्यादा हेवीनेस लग सकता है, और एक आपको आपको ऐसा लगेगा कि मैं सो जाऊँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो दिन भर, लेकिन आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, थोड़ा सा झपकी ले लूँ और आप तुरंत सो जाएंगे 5 मिनट में, और आपको लगेगा कि मैंने बहुत लंबा नैप ले लिया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपके डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके साथ हो रहा है। थर्ड आई एक्टिवेशन का समय चल रहा है फेमिनिन, आपकी आँखों में खुजली हो सकती है, आँखों में दर्द हो सकता है,
ओके, और आपको हेवीनेस लग सकती है, ठीक है। अगर इस तरह के साइन सिम्टम अगर आपके साथ हो रहे हैं तो समझ जाना कि आपके थर्ड आई में क्लिंजिंग चल रही है, थर्ड आई एक्टिवेशन का काम चल रहा है, स्पेशली क्लिंजिंग का, ठीक है। और एक फेमिनाइन है जिनके लोअर चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है। फेमिनाइन में बता दूं कि सेक्रल चक्रा की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या वाइट डिस्चार्ज या फिर अजीब तरह के यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और स्पेशली आपके डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। जो फेमिनाइन तीखा खाती थी उनको बिल्कुल भी तीखा जाएगा नहीं, ठीक है, मतलब उनका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो तो ये आपके सोलर की बहुत अच्छे से क्लिंजिंग हो रही है, ठीक है। वहाँ पे आपको पेन हो सकता है, वहाँ पे आपको हेवीनेस लग सकती है, अचानक से आपको लग सकता है कि पेट मेरा बढ़ गया है या फूल गया है, ठीक है, और आपको हेवीनेस भी लग सकती है। अगर ऐसा कुछ आप फील कर रही है और बेवजह बेमतलब, तो समझ जाना कि ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, जो इस टाइम कलेक्टिव में बहुत सारे फेमिनाइन के साथ चल रही है, ओके। तो ये बहुत सारे मैसेज थे मुझे फेमिनाइन को देने थे, क्योंकि वैसे भी ईगो शटर का टाइम चल रहा है। फेमिनाइन एक एनजाइटी वाली एनर्जी में चल रही है, बहुत से फेमिनाइन का ईगो सरफेस हो रहा है, उनको एनजाइटी हो रही है, उनको ट्रिगर हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि शाडो सामने आ रहे हैं, ओके। तो ये न्यू फेमिनाइन जो है उनके साथ हो सकता है, तो बहुत अच्छे वाले मैसेज हैं, क्योंकि हमारी जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में टैप कर रही है या फिर हाई वाइब्रेशन वाली फेमिनाइन है, उनको तो बहुत सारे अलाइन नंबर दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 एक स्पेसिफिक नंबर है बहुत ज़्यादा, जैसे 369 या फिर 963 ऐसा, ठीक है। और जो फेमिनाइन के अंदर बैलेंस बनाना है, जो न्यू फेमिनाइन है या फिर जो पुरानी है, जो अच्छे हाई वाइब्रेशन में है, उनको 69 या 96 दोनों साथ में दिख सकता है, इस तरह के नंबर भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है। जो कुछ कुछ फेमिनाइन जो है वो चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें उनके मुताबिक हो नहीं रही क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, अब वो सरेंडर भी करेंगे, और डिवाइन टाइमिंग का उन्हें पता भी चलेगा कि कितना वो हमारी जर्नी में मायने रखता है, ओके। तो ये थे फेमिनाइन के लिए मैसेज। अब जानते हैं कि आपके मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर उनकी करंट एनर्जी कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फेमिनाइन आपके मैस्कुलिन की बहुत ज़्यादा एंगर का इशू ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे एनर्जी में हैं तो आप उनकी एनर्जी क्लियरली पिक कर पाएंगी, ठीक है। और वो स्पेशली उन मैस्कुलिन के साथ ही रेजोनेट होंगी जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा रनर की एनर्जी में है, या फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ठीक है, या अभी अभी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। उन मैस्कुलिन का हाल बुरा है, एंगर का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी उनकी एनर्जी पिक हो जाए और आप भी अचानक गुस्से से लाल हो जाओ, ठीक है, बीच बीच में, ओके। फेमिनिन आपके मैस्कुलिन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी है, जहाँ से भी आप कनेक्टेड है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आना चाहते हैं लेकिन एक फियर की एनर्जी है मैस्कुलिन को फेमिनिन के लिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको अगर भौरा दिख रहा है, या जो फूल पे बैठे हैं ना भौरे दिख रहे हैं, या फिर आपको हार्ट के सिंबल दिख रहे हैं, या फिर आपको यूनियन वाले साइन दिख रहे हैं, या कोई कपल स्पेशली पक्षियों का जो रोमांस कर रहे हैं ऐसा, और लाल कलर आपको अगर ज़्यादा दिख रहा है, तो समझ जाना कि आपके मैस्कुलिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और यस वो मिलना चाहते हैं, और आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या रीयूनियन की एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट होंगी, ठीक है। ये उन फेमिनाइन के लिए जिनको हार्ट के सिंबल रेड कलर, या जैसे बोला मैंने यूनियन के साइन सिंबल अगर दिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एनर्जी यूनियन वालों के लिए है, क्योंकि उनके मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मिलने के लिए रेडी है। एक तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन उनके अंदर के फेमिनाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूँ कि आपने जो जैसा काम किया उसी हिसाब से चेंज आपको आपके मैस्कुलाइन के अंदर देखने को मिलेंगे, ओके। जो बैलेंस एक फेमिनाइन चाहती थी कि मैंने हर वक्त दिया है, अब मुझे दोनों तरफ से चाहिए, तो यस डिवाइन मैस्कुलिन भी सोच रहे हैं कि इस बार मुझे भी बैलेंस में रहना है। ये उन डीएम की एनर्जी है जो बहुत अच्छे
एनर्जी में है, कहीं ना कहीं उनकी फेमिनाइन जो है वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में टैपन हो चुके हैं या फिर हाई वाइब्रेशनल वाली एनर्जी में है, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी में है। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आपको आपके डीएम की तरफ से आएंगी, ऑफर आएगा, हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कांटेक्ट करे या टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक अवेयरनेस भी सॉरी आपके लिए एक वार्निंग भी है, आपको अवेयर रहना है कि हो सकता है कुछ पास्ट का इशू बीच में आएगा दोनों के बीच में, और फिर इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती है या फिर एक दूसरे को आप ट्रिगर दे सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत से डीएम ने जो चीटिंग करी थी, हो सकता है वो वापस आए, वो वापस आना चाहते हैं। जिन लोगों ने पैसों को चूज़ किया था, ठीक है, वो भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस आने के बाद हो सकता है कि कुछ चीज़ें बिगड़े, ट्रिगर के रूप में आएंगी। तो आपको अपना बैलेंस बना के रखना है फेमिनाइन, ये आपके लिए वार्निंग है। क्योंकि मैस्कुलाइन अभी भी बहुत ज़्यादा माइंड से चलेंगे, ऐसा नहीं है अगर आप टोटली बैलेंस में है या फिर आप अपने सोल पर्पस पे है तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकती है कि हाँ मुझे एक मैस्कुलिन चाहिए। लेकिन आप ही अगर लोअर चक्रा में है तो हमें कोई हक नहीं बनता किसी से एक्सपेक्टेशन रखने का या फिर किसी को जजमेंट पास करने का, ठीक है। तो आपको हर सिचुएशन में रेडी रहना है कि अगर ट्रिगर आए तो भी मैं बैलेंस में हूँ, अगर नहीं आए तो भी मैं बैलेंस में हूँ, ठीक है। आपके मैस्कुलिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, ओके। आपके बारे में एक तरह से जो फेमिनाइन है, हमारे फेमिनाइन के लिए मैसेज है यहाँ पे कि बहुत से फेमिनाइन जो है उनका कार्मिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब डिटैचमेंट की एनर्जी में है, एहसास तो है वो, लेकिन सिर्फ एक कर्मा के लिए, बाकी उनका सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। ये बहुत एनर्जी है, बहुत कम फेमिनाइन के साथ रेजोनेट हो सकती है। फेमिनाइन इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, उसी तरह से आपके मैस्कुलिन को भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है, बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। लेकिन चैलेंज उनके लिए वही है कि उनके जो चक्रा है वो ब्लॉक है। अब जितना आपने काम किया है उसी हिसाब से वो बंदा रिसीव कर पाएगा। लेकिन मैंने अभी अभी ऊपर बताया है कि ये जो टाइम है वो क्राउन चक्रा का टाइम है, ठीक है। तो आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना आपके मैस्कुलिन को हेल्प मिलेंगी, क्योंकि ये समय क्राउन चक्रा का है। और बिल्कुल अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में भी पड़ता है, क्योंकि आपके चक्रा और उनके चक्रा सेम होते हैं, ठीक है। तो अपने क्राउन चक्रा को बहुत अच्छे से हील करना, माइंड के साथ ऑपरेट मत करिए इस टाइम, सब कुछ सोल का है। आपकी थर्ड आई आपको बहुत हेल्प करती है, आपकी इंट्यूशन ही आपकी सोल की आवाज़ होती है, तो उसको इस टाइम आपको इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हमारी जो आधे से ज़्यादा फेमिनाइन है, मतलब 75% हमारी फेमिनाइन जो है वो अपनी ही एनर्जी में, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं, अपने सेल्फ लव में वो शाइन कर रही है, उनका ऑरा बहुत पावरफुल हो चुका है। और यही रीज़न है कि आपके मैस्कुलिन कंटिन्यू आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। पता है वो पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि मेरे पास आज सब कुछ होकर भी मेरे पास ऐसा क्या नहीं है कि जो मुझे सुकून नहीं दे रहा है, जो मुझे शांति नहीं दे रहा है। जब जब मैस्कुलिन ये सोचते हैं ना, तो तब सबसे पहला ख्याल उनके दिमाग में उनके डिवाइन फेमिनिन का ही आता है, अगर वो सही में आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है तो, ठीक है। एक तरह से हमारी जो फेमिनाइन है, जो कंफर्ट जोन में रहने वाली थी, उन्होंने उनका कंफर्ट जोन तोड़ दिया है। तो ये रिफ्लेक्शन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है उनके इमोशन बहुत अच्छे से बैलेंस है। इसका असर आपके डीएम के लाइफ पे बहुत अच्छा और पॉजिटिव पड़ा है, ठीक है। डीएम भी कहीं ना कहीं उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा है कि अब जो भी हो जाए, जो भी मैंने किया है, अब मैं कब तक इसमें उलझूं, ठीक है। क्योंकि फेमिनाइन जितनी आपकी एनर्जी चेंज होगी उतना असर आपको आपके डीएम के लाइफ में देखने को मिलेगा। अब आपको 3D लेवल पे चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा भी आपका काम है, जैसा भी आप इनर वर्क करती है, इनर वर्क कभी आपका ख़राब नहीं होता, और एनर्जेटिकली चीज़ें होती ही रहती है, बस आपको डिवाइन टाइमिंग पे उसका असर दिखता है। तो पेशेंस खोना नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत सी फेमिनिन थक रही है, ठीक है, थक रही है, दूर भाग रही है, डीएम के लिए गुस्सा भी आ रहा है। तो ये आपके लोअर चक्रा की एनर्जी है, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाए,
एक जो फेमिनाइन है जो बहुत ज़्यादा अपने ही इसमें खुश है, सेल्फ लव में खुश है, उनके डीएम उनके दिल में है कि ना कि दिमाग में है, ठीक है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन के जो मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। ये उन फेमिनाइन के साथ रेजोनेट होगा जो भी, जो फेमिनाइन बिल्कुल बैलेंस में है, बिल्कुल सेल्फ लव की पावर में है और एक तरह से बोलूँगी कि हाई वाइब्रेशन में चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी है, बहुत दिनों से चल रही है तो हो सकता है आपको फील हो, लेकिन हाँ डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरह से उनके ही दिमाग की जो मैनिपुलेटिव जो एनर्जी थी उनको बर्बाद करने पे तुली थी, अभी भी वही चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन सोल का खिंचाव ज़्यादा है दिमाग से इस टाइम। तो आपके डीएम आपके बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का टाइम जो है ना ये चल रहा है, आपका लेसन लर्निंग का टाइम चल रहा है, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे से सीखना। कार्मिक भी ट्रिगर दे रहे हैं, कार्मिक से भी सीखना है, क्योंकि ये जर्नी ही ट्रांसफॉर्मेशन की है, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन की है, दोनों की ग्रोथ की है। नंबर आपको बता दूँ, नंबर पहले बताइए मैंने 1, 2, 3, 4 अलाइन नंबर, मिरर नंबर, ठीक है, और 666, 555, 444, 333, 888, 777 ये नंबर, और 555 बोल दिया है ना, 333 बहुत ज़्यादा, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, 369936 और 6996 ये भी नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगी, ये आप ही के डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।